हेलो फ्रेंड्स, पीछे हमने आपको डिटेल में बताया था कि जो सीएनसी मशीन है उसकी सेटिंग कैसे करनी है, बट अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू बताएंगे कि जो मशीन है वर्क जीरो ऑफसेट वो कैसे लेनी है। सबसे पहले आप ये जो SSCNC का आइकॉन है इस पे क्लिक करो। फानुक OIT, टी होता है टर्निंग का, एम मिलिंग जिसको हम VMC बोलते हैं, टी पे क्लिक करके इसको रन कर दो। उसके बाद इसको ओके कर दो, चाहे यहां से कट कर दो। ये कोड लिखे आते हैं, इसको जो बायां वाला क्लिक है इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो उठा के, और इसको बाईने क्लिक से थोड़ा सा ऊपर कर दो। ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर ऑन, जिससे मशीन आपकी ऑन होगी। ठीक है जी। उसके बाद इमरजेंसी स्विच, इसको ऑफ कर दो। उसके बाद जो प्रोटेक्ट की है इसको इधर को दाई तरफ को ऑन कर दो। ठीक है जी। पावर ऑन से मशीन ऑन होगी। इमरजेंसी स्विच से अलार्म जो था वो ऑफ हो गया। इमरजेंसी स्विच को हम सेफ्टी की भी बोल देते हैं, और जो प्रोटेक्ट की है इसको हम सिक्योरिटी की बोल देते हैं। सिक्योरिटी की का मतलब होता है मशीन को लॉक लगाना। अभी जब ऑफ थी तो लॉक लगा हुआ था, अभी हमने ऑन कर दिया क्योंकि हमने इसकी सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर रेफ करेंगे, रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब मशीन को रेफरेंस पे लेके जाना है, 0-0 पोजिशन पे। उसके लिए +X पे क्लिक और +Z पे क्लिक कर देना है, आपकी मशीन 0-0 पे चली जाएगी बाय डिफॉल्ट। ये जहां की कंपनी से मशीन बन के आई है उन्होंने अपनी तरफ से 0-0 पोजीशन दे रखा है, वहां पे 0-0 पे जाएगी। जो हमने 0-0 देना है वो लास्ट में सेटिंग के बावजूद देंगे। अब उसके बाद ये जो रेफरेंस की है इसको अब ऑफ कर दो, इसका कोई काम नहीं क्योंकि मशीन 0-0 पे जा चुकी है। उसके बाद आगे टूल मैनेजमेंट में जाके एक नंबर टूल सेलेक्ट करो, फिर ऐड टू टूल टरेट में एक नंबर स्टेशन सेलेक्ट, फिर यहाँ पे टूल नंबर पे एक नंबर सेलेक्ट करो। माउंट का मतलब होता है अटैच करना, माउंट पे क्लिक करके ओके कर दो। ये यहाँ पे हमारा टूल आ गया। ठीक है जी। इसको जूम कर दो, ओके। ये इंसर्ट है, येलो कलर की इंसर्ट है और ब्लैक कलर का टूल होल्डर है। ठीक है जी। टूल होल्डर इंसर्ट को सपोर्ट के लिए होता है, इंसर्ट के बीच में एक सुराख बना होता है, वो सुराख से इसको हम स्प्रिंग के वजह से टाइट कर देते हैं। ठीक है जी। इस जॉब की हमने सेटिंग लेनी है, वर्क जीरो ऑफसेट। वर्क जीरो ऑफसेट का मतलब है जॉब और टूल के बीच का डिस्टेंस जो है उसको जीरो कर देना, खत्म कर देना। ठीक है जी। इसके लिए हम टूल को टच करवाएंगे इस पे। अब जो रेफरेंस की है इसको ऑफ कर दो। ठीक है जी। उसके बाद MDI मोड सेलेक्ट करो। MDI मोड में हम स्पिंडल को घुमाते हैं और टूल को कॉल करते हैं। MDI मोड सेलेक्ट, फिर प्रोग्राम का बटन PROG, उसके बाद डिस्प्ले में MDI के नीचे वाला बटन प्रेस करना है। उसके बाद यहां से वैल्यू टाइप करनी है M03, M03S2500। M03 का मतलब होता है कैन से इसको आप डिलीट कर सकते हो, जैसे यहां पर गलत लिखा गया तो उसको कैन से डिलीट कर सकते हैं। S2500। ठीक है जी। M03 का मतलब हो गया आपकी जो स्पिंडल है वो कैसे घूमेगी, दाईं तरफ को, क्लॉकवाइज रोटेशन। स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज है, M03 उसका कोड है। S2500 इसका मतलब ये है जो आपकी स्पिंडल है वो 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी, 2500 चक्कर। उसके बाद एंडो ब्लॉक, लाइन का एंड करने के लिए एंडो ब्लॉक का आपने कोड लगा देना है। ठीक है। ये कोड नहीं होता है, एक साइन होता है, एक सिंबल होता है। उसके बाद इंसर्ट, इंसर्ट से जो वैल्यू आपने दे रखी इसकी सिलेक्शन हो जाएगी। ओके। उसके बाद साइकिल स्टार्ट से आपकी जो स्पिंडल है वो घूमने लगेगी। स्पिंडल को हमने कॉल कर दिया, अभी टूल को भी कॉल करना है। वो कैसे कॉल करेंगे, दोबारा MDI मोड पे सेलेक्ट, फिर प्रोग्राम, फिर MDI लिखा है नीचे इसका बटन, वहां पे प्रेस, फिर T01 01, T01 01। मतलब T01 का मतलब है कि आपका टूल किस पोजीशन पर पड़ा है, दूसरे 01 का मतलब आपको चाहिए किस नंबर पे। यहाँ पे तो हमारे पास एक ही टूल है, मान के चलिए आपको 7वां टूल एक नंबर पे चाहिए होता है, ड्रिलिंग का टूल 7 नंबर पर पड़ा है, वो आपने एक नंबर पे लेके आना है, तो हम लिखेंगे T0701। अगर 7वां टूल 2 नंबर पे लेके आना है तो लिखेंगे T0702। ठीक है जी। यहाँ पर एक ही टूल है इसलिए T0101, पोजिशन भी एक ही है और नंबर भी एक ही चाहिए, T0101। उसके बाद एंडो ब्लॉक, लाइन का एंड कर दिया। उसके बाद इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब इसकी सिलेक्शन कर दी। उसके बाद साइकिल स्टार्ट, इसका मतलब हमारा टूल कटिंग करने के लिए एक्टिवेट हो गया। उसके बाद हमने इसको टच करवाना है टूल को,
डाया के साथ और फेस के साथ, और कौन से मोड में करवाएंगे, जॉग मोड में। जॉग मोड में जाके ऑफसेट सेटिंग, ठीक है जी, ऑफसेट सेटिंग के बाद वर्क, वर्क के बाद ऑफसेट लिखा है नीचे इसका बटन है, ओके। उसके बाद ज्योमेट्री नीचे इसका बटन है। अभी इसको एक्स के फेस में टच करा लो चाहे जेड के फेस में, सबसे पहले हम इसको एक्स के फेस में टच करवाते हैं। ये एक्स लिखा हुआ है और ये जेड लिखा हुआ है। पहले नंबर पर आपने पहली ऑफसेट वैल्यू देनी है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑफसेट वैल्यू है, लेकिन पहले टूल की हम एक नंबर पे देंगे। ये एक्स की वैल्यू देनी है यहाँ पे जेड की। अब एक्स पे कैसे टच करवाओगे, अब यहाँ पे आ रहा है प्लीज सेलेक्ट जॉग व्हील और हैंडल मोड। इसका मतलब जो रेफरेंस की था हमारा वो टोटली ऑफ नहीं हुआ था, इसको दोबारा ऑफ कर दो। उसके बाद माइनस से आपका टूल धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अगर आपने तेजी से आगे बढ़ाना है तो इसको इंक्रीमेंटल का बटन प्रेस कर दो, सेंटर वाला, ठीक है जी। उसके बाद माइनस जेड से आपका टूल तेजी से आगे बढ़ेगा, ओके। अब हमने इसको डाया पर टच करवाना है, तो ये इसका डाया है, यहां पर कहीं पर भी टच करवा दो आप इसको। किससे टच होगा, माइनस एक्स से नीचे को आएगा। अब इसको स्लो कर दो नहीं तो ज्यादा कट लगा देगा, ओके। स्टेप बाय स्टेप हो गया टच। अब जो बाय डिफॉल्ट इसका डाया है वो 80 का है, 80 का है, तो इसलिए हम यहाँ पे वैल्यू 80 देंगे। एक्चुअल मशीन में अगर आपका 70 है, 20 है, 30 है, जो जितना भी आपने टच करा के उतनी वैल्यू दे देनी है, लेकिन यहाँ पर 80 का है तो हम x की वैल्यू 80 देंगे। x 80 डॉट, उसके बाद मेजर कर देंगे इसको, सिलेक्शन होगी इसकी, दोबारा क्लिक करके ओके कर दो। अब इसको जेड में टच करवाना है, जेड का मतलब इस फेस पे, स्टार्टिंग के फेस पे। तो ये जो वैल्यू है इसको पहले जेड में लेके आइए। यहाँ पर बटन है ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट का बटन, ठीक है। अब ये राइट का बटन प्रेस कीजिए, ये हमारा इधर आ गया जेड में, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा ऊपर करके पीछे ले आओ, यहां से इसको फ्रंट व्यू कर दो, ओके, सामने आ गया। थोड़ा सा इसको जूम कर दो, ओके। अब इसको टच करवाओ, थोड़ा सा रोटेट करके, प्लस जेड से पीछे आएगा और माइनस एक्स से नीचे, थोड़ा सा ऊपर ले जाओ इसको, ओके। इसको स्लो कर दो, धीरे 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 लेके जाना है इसको, जस्ट कहीं पर भी टच करा सकते हैं हम जेट के फेस पे, ये पूरा जेट का ही फेस है स्टार्टिंग का, ठीक है जी। टच हो गया, यहाँ पर तो ज्यादा मटेरियल फ्लो हुआ, लेकिन एक्चुअल में हमने हैंडल मोड लेना है। हैंडल मोड से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा ये, यहाँ पे जॉग मोड ले रहे हैं क्योंकि हैंडल मोड काफी धीरे से आगे बढ़ता है। जॉग मोड में यहाँ पर टच करवा दिया और जेड की वैल्यू हमने देनी है जेड 0 डॉट, उसके बाद मैयर, उसके बाद ओके कर दो। अब इसकी एक्चुअल पोजीशन देखो, टूल कहाँ पे खड़ा है, एक्स 41 पे और जेड 0 पे, लेकिन हमको चाहिए एकदम सेंटर में, एक्स भी 0 पे जेड भी 0 पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टूल को थोड़ा सा पीछे ले जाओ, उसके बाद दोबारा एमडीआई मोड सेलेक्ट करना है, फिर प्रोग्राम का बटन, फिर एमडीआई का बटन नीचे है, ओके। फिर हम टाइप करेंगे जी 00 एक्स 0 डॉट जेड 0 डॉट, फिर एंडो ब्लॉक लाइन का एंड करने के लिए, फिर इंसर्ट सिलेक्शन के लिए, उसके बाद साइकिल स्टार्ट, जिससे आपका टूल एकदम सेंटर में आ जाएगा। अब ये देखना है कि एक्चुअल में सेंटर में है या नहीं है, तो आप पॉज पे क्लिक कीजिए, पोजीशन, इसका मतलब होता है पोजीशन, पॉज का मतलब पोजीशन। एक्स भी 0 है और जेड भी 0 है और आपका टूल भी सेंटर में, इसका मतलब आपकी जो पोजीशन है, ऑफसेट वैल्यू है, ऑफसेट सेटिंग है, वो पूरी सही है। आपका टूल सेंटर में होना चाहिए और वैल्यू भी 0-0 शो होनी चाहिए। अगर टूल आपका काफी पीछे है, वैल्यू चाहे 0-0 शो कर रही है, तो वो गलत पोजीशन है, ठीक है जी। टूल भी सेंटर में हो और एक्स और जेड की वैल्यू भी 0-0 शो होनी चाहिए। उसके बाद आगे हमने, अब इसमें अगर प्रोग्राम बनाना है, अभी तो ये हमने सेटिंग की, सेटिंग के बाद अगर हमने इसमें प्रोग्राम बनाना है, उस प्रोग्राम को चला के दिखाना है, तो हम किस में बनाएंगे, एडिट मोड में। एडिट मोड में जाके प्रोग्राम
उसके बाद डीआईआर में हम नवा प्रोग्राम बनाते हैं और यह जो प्रोग्राम बना हुआ है उसको निकाल के भी चला सकते हैं। ठीक है जी, जैसे डीआईआर पे क्लिक किया, ओके। ठीक है जी, डीआईआर पे क्लिक करने के बाद नवा प्रोग्राम जैसे हमने बनाना है तो यहां से हम सबसे पहले उसका प्रोग्राम नंबर देंगे, 0788। ठीक है जी, प्रोग्राम नंबर आ गया। उसके बाद ये इसको नीचे क्लिक करूं, उसके बाद G28 U, इसमें U कहां है, U0.W0. G28 का मतलब है होम पोजीशन का कोड, जो हमारा टूल है वो होम पोजीशन पे चला गया है, मतलब जहां से उसने कटिंग करनी है, जो एक्चुअल मशीन मैन्युफैक्चरर ने जहां से मतलब उसकी पोजीशन दे रखी है वहां से हमारा टूल आएगा। G28 उसका कोड है, होम पोजीशन का कोड, रेफरेंस कोड, चाहे हम इसको जीरो पोजीशन कोड भी कह सकते हैं। यू होता है डाया, यू जीरो पे है, और डब्ल्यू जीरो, कहने का मतलब डब्ल्यू होती है लेंथ, मतलब आपका जो डाया और लेंथ है वो जीरो जीरो पोजीशन पे चलेगी। उसके बाद एंडो ब्लॉक लगा के इंसर्ट कर देना है, अगली लाइन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद G50 S2500, जो G50 है वो स्पिंडल स्पीड लिमिट का कोड है, कि जब आपका डाया कम होता जाएगा धीरे धीरे तो उस पर एक लिमिट लगा देनी है कि वो लिमिट आपकी आगे ना बढ़े। G50 एक लिमिट का कोड है। S2500 का मतलब आपकी स्पिंडल अगर स्टार्टिंग में 1500 पे घूम रही है तो धीरे 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 2500 तक अगर बढ़ गई तो 2500 से ऊपर नहीं जाएगी, 2500 पे एक लिमिट लग गई है। ये G50 उस लिमिट को लगाने का कोड है, जिससे आपके टूल की सेफ्टी रहेगी, टूल पे ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा, ज्यादा रगड़ नहीं पड़ेगी, ठीक है, प्रेशर नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। उसके बाद एंडो ब्लॉक लगा के फिर इंसर्ट लगा दो। ठीक है जी, इंसर्ट का मतलब अगली लाइन स्टार्ट हो जाएगी, इंसर्ट से आपकी लाइन खत्म होगी। उसके बाद T01 01, ठीक है जी, T01 टूल नंबर 1, 01 पोजीशन नंबर 1। उसके बाद एंडो ब्लॉक लगा के फिर इंसर्ट के बटन से अगली लाइन स्टार्ट। उसके बाद G96 S 150 M 04 G96 कटिंग स्पीड का कोड है, जब हम कटिंग करते हैं तो उसमें से बूरा निकलता है, वो बूरे की मतलब हाइट कितनी है, उस बूरे की लेंथ कितनी है, वो लिखा हुआ है S150 का मतलब कि इतनी ही निकलेगी, 150 mm per minute, एक मिनट में 150 mm per minute निकलेगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी, उस पर भी एक लिमिट लग गई, वो लिमिट का कोड है G96। M04 का मतलब आपकी स्पिंडल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, 12 से 1 की तरफ, अगर M03 लगा देते हैं तो 1 से 12 की तरफ। ठीक है जी, उसके बाद एंडो ब्लॉक लाइन का एंड करने के लिए, फिर उसके बाद इंसर्ट, लाइन खत्म हो जाएगी। उसके बाद G00 टूल को हवा में रखना है हमने, सबसे पहले जब उसकी कटिंग करेंगे उससे पहले उसको हवा में रखेंगे, जैसे इसका डाया 80 का है तो G00 X82 आपका जो टूल है वो डाया 80 से 2 mm ऊपर जाएगा हवा में, X82 डॉट, और फेस से 2 mm पीछे Z2 डॉट। ठीक है जी, डाया से 2 mm ऊपर चला गया और फेस से 2 mm पीछे। उसके बाद एंडो ब्लॉक, फिर इंसर्ट से अगली लाइन स्टार्ट। उसके बाद G71 U1 डॉट R1 डॉट, इसमें R है तो R हम कैसे टाइप करेंगे, अब इस पर टाइप करोगे तो G टाइप हो रहा है, हमने टाइप करना है नीचे जो इसका R बना हुआ है, तो कैन से इसको कैंसिल करो, शिफ्ट, एक बार शिफ्ट दबा के G पर अगर क्लिक करोगे तो R आएगा। ठीक है जी, R1 डॉट, उसके बाद एंडो ब्लॉक, फिर इंसर्ट से अगली लाइन स्टार्ट। जो G73 G71 जो है वो है रफिंग कटिंग साइकिल का कोड,
इसको हम साइकिल कोड भी बोलते हैं, टर्निंग साइकिल कोड। इसका मतलब ये है जब आपने साइकिल का कोड लगा दिया तो आपका टूल धीरे धीरे अपने आप ही उसके डायर को कम करता जाएगा, घटाता जाएगा। वो किस तरह से घटाएगा, किस साइज में घटाएगा, वो साइज हमने यहाँ पे दे रखा है U1। U1 का मतलब होता है 1-1 mm की वो कटिंग करेगा, 1 mm डाया ऊपर से घटेगा, 1 mm नीचे से, हर बार वो 1 mm ऊपर से 1 mm नीचे से घटेगा, ठीक है जी। उसके बाद R1 का मतलब है रिट्रैक्ट वैल्यू, U1 का मतलब होता है इंक्रीमेंटल डेप्थ ऑफ कट। आपका जो डाया है वो हर बार हर कट में जितनी आप U की वैल्यू दोगे उससे डबल कट होगा। अगर U1 दे रखा है इसका मतलब वो 2 mm कम हो जाएगा। आपका डाया अगर 50 का है तो 50 से 48 हो जाएगा, फिर 46 हो जाएगा, फिर 44 हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पर 80 दे रखा है तो पहले कट में हमारा जो डाया हो जाएगा वो 80 से 78 का हो जाएगा। मतलब U की वैल्यू आप जितनी दोगे उससे वो डबल कट कर देगा। उसके बाद R1 है। R1 का मतलब ये है कि आपका जब टूल एक कट करता है तो वो रगड़ खाते हुए वापस नहीं आएगा। एक कट लगाने के बाद 1 mm ऊपर उठेगा हवा में, फिर पीछे आएगा, फिर अगला कट लगाएगा। इसको हम बोलते हैं रिट्रैक्ट वैल्यू, ठीक है जी। उसके बाद आगे G71, अगली लाइन में भी हमने साइकिल में दोबारा वही कोड लगाना है, G71P। अभी हमने इसमें P टाइप करना है, तो ये O लिखा आ रहा है, हमने P टाइप करना है, तो शिफ्ट दबा के O पे टाइप करो तो ये P टाइप हो जाएगा, P80। अभी आपको बताएंगे हम P80 क्यों लिख रहे हैं। उसके बाद हमने क्या टाइप करना है, N के नीचे क्या हुआ है, तो शिफ्ट दबा के क्या 100। उसके बाद F0.02। उसके बाद एंडो ब्लॉक, फिर इंसर्ट। अब हमने यहां पे G71 तो ऊपर का कोड लगाना है, और P80 क्यों लिया, क्योंकि यहां तक तो हमारा पूरा साइकिल लग गया। जो एक्चुअल में मेन प्रोग्राम स्टार्ट होना है वो इस लाइन से अगली लाइन से स्टार्ट होना है, इससे अगली लाइन से स्टार्ट होगा। तो लाइन जो स्टार्ट हो रही है प्रोग्राम की वो कितनी है, 80। इसका मतलब P की वैल्यू हमने 80 लिख दी, कि आपका जो प्रोग्राम हो रहा है वो 80 नंबर लाइन से स्टार्ट हो रहा है। खत्म कहाँ पे होगा, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमें ये नहीं पता कि खत्म कहाँ पे होगा, तो क्या की वैल्यू जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं शिफ्ट, क्या की वैल्यू जैसे आप लिख दो यहाँ पे 20, ठीक है जी। अल्टर से क्या होगा, ये चेंज हो जाती वैल्यू, ठीक है जी, बाद में हम इसको खुद चेंज कर देंगे। कहने का मतलब P80 का मतलब यह है कि 80 जो नंबर लाइन है वहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होना है। खत्म कहां पे और उसका हमको पता नहीं है, बाद में जहां पे खत्म होगा वो हम यहां पे एडिट कर देंगे। F0.02 इसका मतलब होता है फीड, टूल की चाल। जब आपका टूल कटिंग करेगा, ठीक है जी, तो ये जो फीड है इसका मतलब है mm पर रेवोल्यूशन। F0.02 इसका मतलब 20 माइक्रोन आपका टूल उसको कट कर देगा, लेंथ को, जॉब की लेंथ को 20 माइक्रोन कट कर देगा जब आपकी जॉब एक चक्कर घूमेगी। तो हमारी जॉब कितने चक्कर लगा रही है एक मिनट में, 2500 चक्कर लगा रही है। एक चक्कर में कितना हो गया 20 माइक्रोन, 5 चक्कर में 100 माइक्रोन। 1 mm कट करने के लिए उसको 50 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो एक चक्कर का तो उनको पता भी नहीं लगना है कब हो गया एक चक्कर, बट एक लॉजिक है कि एक चक्कर में एक रेवोल्यूशन में आपका जो टूल है वो 0.02 20 माइक्रोन लेंथ की तरफ जॉब को कट कर देगा, ठीक है जी। अब यहां से हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हमने अब मान के चलिए आपने डाया 80 का है तो आपने उसको 25 का बनाना है एज एग्जांपल, या 50 का बनाना है, तो यहां पर हम लिखेंगे एक्स की वैल्यू, सॉरी कैन से इसको डिलीट करो, यहां पे लिखिए G01। G01 का मतलब होता है हमारा टूल कटिंग करनी स्टार्ट कर रहा है। इसको हम लीनियर कटिंग का कोड बोलते हैं। जब तक आपका टूल G00 हवा में है तब तक वो कोई कटिंग नहीं करता है, जब आप G01 लगाते हो तो उसके बाद वो कटिंग करनी स्टार्ट कर देता है। G01 जो है वो लीनियर कटिंग का कोड है, लीनियर इंटरपोलेशन कोड। जो G00 है ये है आपका रैपिड ट्रावर्स या टूल के हवा में पोजिशन का कोड, ठीक है जी। उसके बाद आगे G01X, आपने 50 का डाया बनाना है, X50 डॉट, मतलब हमने डाया को हम X बोलते हैं और लेंथ को Z बोलते हैं, G01X50Z0 डॉट। अभी हमने टूल को ये कमांड दे रखी कि 50 का हमने डाया बनाना है, ठीक है जी, और हमारा जो Z0 है वो टच हो गया, टूल हमारा फेस के साथ टच हो गया।
उसके बाद एंडो ब्लॉक लगा के इंसर्ट, अगली लाइन स्टार्ट। अब टूल को ये भी बताना है कि कितनी लेंथ तक कटिंग करनी है, तो सिर्फ उसको डाया दे रखा कि 50 का डाया बनाना है, लेंथ कितनी कटिंग करनी है। यहाँ पे लेंथ होती है जेड, जेड माइनस 80, मतलब 80 की लेंथ तक उसकी कटिंग कर दो, जेड माइनस 80 डॉट। आपने डॉट जरूर लगाना है, एक्स जेड यू डब्ल्यू एफ आर सी और ए, ये जो 8 हेल्पर वेटिंग है इनके साथ कोई भी वैल्यू आती है उसके साथ आपने डॉट जरूर लगाना है। लेकिन अगर एफ 0.02 एक बार पॉइंट आ गया तो उसके बाद नहीं पॉइंट लगाना है, अगर सिंगल वैल्यू इसके साथ पॉइंट जरूर लगाना है। एक्स जेड यू डब्ल्यू एफ आर सी और ए, ये अल्फाबेटिक जो 8 है इनके साथ डॉट जरूर लगाना है, जेड माइनस 80 डॉट, उसके बाद एंडो ब्लॉक, फिर इंसर्ट, उसके बाद हम क्या करेंगे टूल को उसके मेन डाया पे लेके जाएंगे, क्योंकि यहां तक हमने कटिंग करनी थी, कटिंग कर ली। उसका डाया कितना है, 100 का है, एक्स सॉरी उसका डाया 80 का है, एक्स 80 डॉट, मतलब आपका जो टूल है वो हवा में चला गया। अभी वो हवा में नहीं गया, बट वो अभी टच है उसके साथ, जॉब के साथ टच है आपका टूल, एक्स 80, क्योंकि उसका डाया ही उतना है, एक्स 80 एंडो ब्लॉक, फिर इंसर्ट। उसके बाद इसको हवा में उठा दो, जी 00 जैसे हमने स्टार्टिंग में लिखा था वही वैल्यू लिख दो, जी 00 एक्स 82 डॉट जेड 2 डॉट, ठीक है जी। उसके बाद एंडो ब्लॉक, लाइन एंड होगी, इंसर्ट सिलेक्शन। उसके बाद लास्ट में हमने फिर वही कोड लगाना है, जी 28, मतलब स्टार्टिंग में भी हमने होम पोजिशन में भेजा था टूल को, और लास्ट में भी वो कटिंग करने के बाद दोबारा होम पोजिशन पे चला जाएगा, यू जीरो डॉट डब्ल्यू जीरो डॉट, मतलब कटिंग करने से पहले और कटिंग करने के बाद हमारा टूल होम पोजिशन पे जरूर जाएगा। एंडो ब्लॉक, फिर इंसर्ट सिलेक्शन, उसके बाद M30 कहने का मतलब आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, M30 का मतलब है प्रोग्राम एंड का कोड, M30 ये हमेशा आपने लास्ट में ही लगाना है M30, अगर बीच में कहीं पर लगा दिया आपका प्रोग्राम वहीं पर खत्म हो जाएगा। M30 के बाद एंडो ब्लॉक, फिर इंसर्ट। अब ये देखिए आपका प्रोग्राम, सब प्रोग्राम वो कहाँ पे खत्म हुआ, अब हमने आपको पहले बताया था PAT का मतलब 80 से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, खत्म कहाँ पे होगा वो बाद में वैल्यू देंगे आपको बताया था। तो ये देखिए आपने हमेशा ये चीज देखनी है, जी 00 जब आप टूल को हवा में उठाते हो उससे पहले लाइन आपने देखनी है, जी 00 से ऊपर की लाइन कौन सी है, 100, तो हम क्या की वैल्यू क्या लिखेंगे, 100, कहने का मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो 100 लाइन नंबर पे खत्म हो गया। ये तो मेन प्रोग्राम खत्म है, जो सब प्रोग्राम है वो 100 पे खत्म हो गया, जी 00 से हमेशा ऊपर वाली लाइन देखनी है। तो इसको हम चेंज करेंगे ऊपर ले जाके, यहाँ पे शिफ्ट दबा के ये लिखिए आप क्या, उसके बाद 100, फिर 100 लिखने के बाद अल्टर से ये चेंज हो जाएगा, ठीक है जी, ओके। अब ये जो प्रोग्राम हमारा बन गया इसको हमने चला के देखना है, तो कैसे चला के देखेंगे इसको, यहाँ पे क्लिक करो, सबसे पहले ऑटो पे क्लिक, ऑटो पे क्लिक, उसके बाद साइकिल स्टार्ट, ये कह रहा है प्लीज क्लोज द मशीन डोर, मशीन के दरवाजे बंद करो। सबसे पहले तो इसको व्यू पे जाके फ्रंट कर दो, सामने आ जाएगा आपका टूल और मशीन, ठीक है जी। इसको थोड़ा जूम कर लो, अब मशीन का दरवाजा बंद कर दो, उसके बाद साइकिल स्टार्ट, इसने कटिंग करनी स्टार्ट कर देनी है। अब देखिए सबसे पहले टूल पीछे गया, उसके बाद ये कटिंग करनी स्टार्ट कर रहा है, मतलब उसने होम पोजिशन में जाना ही जाना है। उसके बाद पॉज पर आप क्लिक करके इसकी पोजीशन देख सकते हो, मतलब आपका जो डाया है वो कैसे कम हो रहा है, देखिए 70 हो गया, उसके बाद 68 हो गया, U1 दे रखा था, U1 का मतलब 1 mm ऊपर से कट 1 mm नीचे से, हर बार वो 2 mm कटिंग कर रहा है, ठीक है जी। 64 हो गया, उसके बाद 62 हो गया, उसके बाद 60 हो गया, मतलब हर बार वो 2 mm की कटिंग कर रहा है।
देखिए कटिंग करने के बाद आपका टूल वही होम पोजिशन पे चला गया, ठीक है जी। जब आप इसको दोबारा चलाओगे तो आप पीस दूसरा पीस लगाओगे तो आपका टूल यहीं से वापस आएगा और यहाँ से कटिंग करने स्टार्ट कर देगा। अब मान के चलिए इसमें आपने कोई ऑलरेडी प्रोग्राम बनाया है उसको चलाना है, तो दोबारा आप क्या करेंगे, एडिट मोड में जाके प्रोग्राम DIR, जैसे मान के चलिए ये 0786 हमने चलाना है, 0786, तो ये नीचे वाला एरो इसको प्रेस कर दो, ये प्रोग्राम आ गया हमारा, ठीक है जी। उसके बाद ऑटो मोड, मशीन का दरवाजा बंद करो, साइकिल स्टार्ट। आपका जो पिछला प्रोग्राम था उसको आप निकाल के उसको भी चला के देख सकते हो, या उसमें एडिटिंग वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये है हमारी सेटिंग और प्रोग्रामिंग, मशीन की सेटिंग करने के बाद कैसे हम इसमें प्रोग्राम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपका यहाँ पे सेटिंग और प्रोग्रामिंग का सिलेबस कंप्लीट हो गया।